पहला ए गर्मी तो आटली जती पण लागती नहोती। वर्षो पहला गर्मी तो आटली पड़ती थी पर लागती नहोती। मने याद छे वेकेशन मा हूँ मारा मौसाळ नाना नानी ना घरे रहवा जतो। बे रूम रसोड़ा नु घर नानू तो होय ज पण लागतुं नहोतुं। ए वक्ते एक ज घर मा पांच छ कजिन्स होईए, नाना नानी मासी मामा मामी बद्धा रहता, तो ए जग्या नो अभाव ना लागे। एवं ना लगे कि जगह ओछी पड़े, आखो दिवस धमा छकड़ी करता होइए, तूफान मस्ती चालू ज होय, किचन में आटला बधा माणसो नु जमवानु बनतु होय, पण क्यांय गर्मी हम लागे नहीं। बपोरना टाइमे जे रूम में सौथी वधु ठंडक होय ने त्यां ज एक ज रूम में आखे आखू घर होय, आखू घर प्लेग्राउंड बनी जतुं। एक ज रूम में सात आठ जणा होय, बधा मजा करता होय, ने बहार जमवानो तो सवाल ज नहोतो। आखा वेकेशन में एक वार कदाच बहार जम्या होईए, बाकी तो घरनुं ज। हाँ, गोला खावा रात्रे जरूर जवानो, अने घर में फ्रीज हतुं ज नहीं, फ्रीज नी सगवड़ एवी हती ज नहीं, बाजूवाळाना घरे थी थोड़ो बरफ लावानो के बजारमांथी खरीदीने लावानो, भर तड़के क्रिकेट टीचवानो जे मजा पड़े। वर्षो पहला है गर्मी तो 45 डिग्री ज पड़ती पण लागती नहोती। भणतर नो थाक नहोतो ने, वेकेशन में एक्टिविटी क्लासीस भरवानुं टेन्शन नहोतुं, कम्पलसरी कोचिंग लेवानी मगजमारी नहोती, मोबाइल गेम्स नहोती, अने जे हतुं ए हवे नथी, जे हतुं ए हवे नथी, साथे रहेवानी ट्रेनिंग, बधा कजिन्स नी साथे एडजस्ट थईने रहेवानी ट्रेनिंग, पोतानुं धार्युं न ए थाय ए समजवानी ट्रेनिंग, घरमां ज रहीने नवी नवी गेम्स शीखीने क्रिएटिविटी खीलववानी ट्रेनिंग, खर्चो करवाथी आनंद ना मळे साथे रहेवाथी मळे ए वात शीखवतुं वेकेशन क्यां छे? जड़े तो कहजो।